ये देखो, यहाँ है बकरियां, ये वाली है सुरखाल से लखा। तो आज मेरा ना पहला एक्सपीरियंस था ये, क्या जबरदस्त मस्त भुटुआ बनाया था, क्योंकि भुटुए में थोड़ा बहुत हाथ मैंने भी लगाया था ना। मौसम के देखो इशारे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। फिलहाल मैं निकल के आऊँ महाकाली मंदिर को। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज का व्लॉग थोड़ा सा जल्दीबाजी में स्टार्ट हो रहा है, तो करते हैं शुरू। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। तो सीन ऐसा है, तैयार हो गया हूँ मतलब मैं मंदिर जाने के लिए महाकाली। कल के व्लॉग में मैंने आपको लखा दिखाया था ना, तो आज है पूजा और काइनू की तबीयत थोड़ी बहुत ढीली चल रही है अभी भी, मतलब उसको बुखार है, इस वजह से स्नेहा और काइनू नहीं जा रहे हैं आज पूजा में। सुरखाल भी नहीं आएंगे ये लोग, मीट वीट वैसे भी इन्होंने खाना हुआ नहीं, तो ये लोग नहीं आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। बाकी पापा के रिटायरमेंट की ये पूजा है, मतलब वो 4-5 महीने पहले रिटायर हुए हैं, इसलिए महाकाली में पूजा है उनकी। कुछ कहना चाहेगी बोल ले फटाफट, फिर मैं चलता हूँ। मैंने भी काफी टाइम से सोचा था कि मैं भी जाऊंगी, बट जब से काइनू को टीका लगाया ना तो उसको बुखार आ गया, तो मम्मी ने खुद ही मना किया था कि अगर बुखार रहेगा भोको तो मत आना, क्योंकि इधर उधर ले जाना ना ठीक नहीं रहता, हवा लगेगी बाइक में और ऊपर से और बुखार आएगा, तो इस वजह से मेरा जाना पूरा कैंसिल। तो अब ये जा रहे हैं, कल भी सुरखाल गए थे, तो बस बाकी क्या ही बोलूं, आज भी व्लॉग में पूरा दिन यही दिखेंगे आपको, हम तो दिखेंगे नहीं काइनू और मैं। तो दादा लोग तो सुरखाल से आ गए हैं, मतलब वो मंदिर पहुंचने वाले भी होंगे, मैं भी निकलता हूँ। बाकी थोड़ा सा मौसम का अपडेट, बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है, धूप हालांकि अभी तक नहीं आई है, बादल लग रखे हैं, और कल रात को काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है, रात में 9-10 बजे टाइम बढ़िया वाली बारिश हो रही थी। तो फिलहाल चलते हैं, और ये देखो हमारा काइनू मस्त सोया है, मस्त तो क्या ही सोई है, मतलब बुखार चल रहा है तो उसको नींद ही ज़्यादा आ रही है उसको। तो यार काफ़ी जल्दबाजी में आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है, फिलहाल मैं निकल गया हूँ महाकाली मंदिर को, दादा लोग पहुँच चुके हैं वहाँ। ओ भाई यहाँ कहाँ से निकाले, तो दादा लोग पहुँच गए हैं। फिलहाल लखा तो अभी कटा नहीं होगा, अभी थोड़ा बहुत पूजा रहेगी, उसके बाद फिर लखा कटेगा। खैर वो सब तो दिखाना नहीं होता है, वो सब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। बाकी एक बार कटने से पहले लखा दिखाना चाह रहा था, इतना गजब वाला आज मौसम हो रहा है ना गंगोली हाट का, एकदम ठंडा मौसम है और धूप भी नहीं खिली अभी तक, चारों साइड देखिए आगे तो बादल भी लगे हुए हैं, बड़ा ही मस्त मौसम हो रहा है आज। बाकी मैंने आपको बताया ही है, कुछ ही मंथ पहले पापा का रिटायरमेंट हुआ था ना, तो इस वजह से ये पूजा रखी गई है। तो चलिए मिलते हैं महाकाली मंदिर पहुँच के। तो पहुंच गए हैं काली मंदिर, आज तो ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ी देर में लगेगी, अभी तक तो मतलब बहुत कम लोग दिख रहे हैं। जय महाकाली। हेलो, कौन है वो? अच्छा चल। तो पहुंच गए हैं काली मंदिर, लगा दिया है टीका, देखिए क्या सुंदर लगता है काली मंदिर का टीका ना। बाकी भोग लगने का समय हो गया है, घंटियां बज रही है, और दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो घंटियां वंटियाँ बजनी स्टार्ट हो गई है, यानी कि भोग लग रहा है अभी। ये देखो, यहाँ है बकरियाँ, ये वाली है सुरखाल से लखा, और ये किसी और की भी पूजा आई होगी ना, तो ये है हिलवाण बोलते हैं हमारे यहाँ बुक्की।
तो आज मेरा ना पहला एक्सपीरियंस था ये, मतलब भोग लगते टाइम पहली बार मैं यहाँ पे हूँ, तो बड़ा ही सुंदर नज़ारा होता है यार जिस टाइम पे भोग लगता है, मतलब घंटियों की आवाज़ ना गजब, मतलब मज़ा आ गया सुबह की, आज का तो मतलब वैसे ही दिन बन गया है। भोग लगने के बाद ना धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो गए हैं और धीरे धीरे काफ़ी भीड़ सी होने लग गई है, अंदर पूजा वगैरह चल रही है दादा लोगों की, तो उन्हीं के हाथ का काम है तो वो सब कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में लखा कटेगा, मंदिर में चढ़ेगा, उसके बाद निकलेंगे घर को, बाकी घर में ही होगा सारा कुछ, खाना पीना जो भी बनेगा। तो बकरी ले गए काटने के लिए, भाई साहब काट भी दी, धच वाली आवाज आ गई है, मेरे को तो बड़ी डर लगती है, मैं तो भाग के ऊपर तक आ गया हूँ, चलते हैं नीचे, ही कट चुकी है। होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। तो यार बढ़िया करके पूजा वगैरह हो गई और बकरी भी कट गई, यानी कि लखा कट गया, बढ़िया करके कट गया, कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है। काली मंदिर में तो ऐसा देखा नहीं है मैंने, कई मंदिरों में हो जाती है कभी कभी, मतलब काटने में ना, क्योंकि बहुत बड़ा था लखा, तो काली मंदिर में तो नहीं देखा है मैंने ऐसा। तो बढ़िया करके लखा भी कट गया और फिलहाल निकल गए हम लोग, दादा लोग पहले निकल गए थे, थोड़ा सा मैं कमरे तक गया था ये सामान लेने, बाकी मैं भी निकल गया हूँ सुरखाल को, बस अब वहाँ मीट वगैरह बनेगा, सारा खाना पीना जो भी है, पूड़ी मीट ये सब बनेगा, अब शाम को ही आना होगा मेरा भी वापस। अब बस एक ही चीज़ का डर है, मौसम ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आज सुबह से ही ना मौसम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बारिश वारिश हो सकती है। बाकी वहाँ तो काम करने वाले टहलू लोग काफ़ी होंगे, जो गांव के ही लोग होते हैं ना, सब मिलजुल के ही काम करते हैं, तो काफ़ी लोग होंगे, और जिनको निमंत्रण भेजा होगा वो लोग भी काफ़ी रहेंगे। मौसम के देखो इशारे कितने हसी है नज़ारे। तो यार मैं पहुँच गया हूँ सुरखाल, और इस साइड का नज़ारा देख के ऐसा लग रहा है ना कि भाई साहब बारिश होने वाली है, हो सकती है फुल चांसेस हैं आज बारिश के। कल रात को तो क्या अंधाधुंध बारिश हुई है, लेकिन बकरी वाली गाड़ी तो अभी तक आई नहीं है यहाँ। ओ भाई साहब बकरी वाली गाड़ी अभी तक नहीं आई है, तो इसका मतलब चलो यहीं लगाता हूँ आज गाड़ी। तो यार मुझे लग रहा था मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन वो लोग अभी दसाईथल ही पहुँचे हैं, मुझे लगा यहाँ से निकल गए होंगे ऊपर को, लेकिन अभी वो दसाईथल है, तो यहाँ से लेके जाएंगे अभी जो लखा है, मतलब कट्टे में है, तो उसको लेके जाएंगे ऊपर को, काफ़ी भारी होगा वो, 30-35 केजी, और दो ही लोग जाने का रास्ता है, मतलब चार लोग पकड़ भी नहीं सकते ऐसा रास्ता है। बाकी गाड़ी इधर लगा दी है, वैसे मैं ऊपर लगाता था लेकिन आज यहीं पे सही, थोड़ी देर में वापस ही आना है, थोड़ी देर में तो नहीं कह सकते, 4-5 बजे वापस आना है। तो आज खाएंगे मीट भुटुआ, कैसा लग रहा है सिटी वालों, मतलब जो बाहर हैं, बाहर से देख रहे हैं दिल्ली मुंबई चंडीगढ़ जहाँ से भी देख रहे हो, कैसा लग रहा है बताओ, कुछ दिल में कुछ हो रहा है, कुछ कुछ मन कर रहा है आने का? मजाक कर रहा हूँ यार, मेरा खुद ही दिल्ली मुंबई जाने का मन कर रहा है। ये लाइन जो बोली गई थी आपका दिल रखने के लिए बोली गई थी। बाकी यहाँ पे एक डॉगी है, इसको मैं काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहा हूँ, सड़ा है। ओहो ये देखो बीच में ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं जुग, यानी कि लीच, और बहुत सारे हैं देखो भाई साहब, ये पैरों में लग गए ना ये, मतलब हमारा खून सारा चूस जाएंगे, चले फिर चलो भागो। तो यार पहुंच गए हैं सुरखाल, बाकी बकरी भी पहुंच गई है, थोड़ी देर में अब बकरी को जलाया जाएगा, मतलब उसके बाल वाल जो भी हैं वो साफ किए जाएंगे, और काफ़ी सारे लोग आए हैं काम वाम करने के लिए ना, जो मतलब खाना पीना बनेगा उसके लिए, और मौसम धीरे धीरे गड़बड़ कर ही रहा है, मतलब ऐसा ही रहे तो ठीक ही है,
धूप ना ही लगे ठीक है, लेकिन बारिश होगी तो दिक्कत हो जाएगी। और लगभग 2-3 घंटे में खाना पीना रेडी हो जाएगा। और यहाँ पूजा में, हमारे यहाँ साइड पूजा में भात वगैरह नहीं बनता है सिन लेक में, यहाँ भात भी बनता है, चावल बनता है इधर, और पूड़ियाँ बनती हैं, तो मीठ भात तो मतलब अलग मजा आता है। एक तो यार फिलहाल सारा कुछ हो ही गया है, खाना पीना चल रहा है नीचे, और मैंने तो मस्त खा लिया है। मतलब क्या जबरदस्त मस्त भुटवा बनाया था, क्योंकि भुटवे में थोड़ा बहुत हाथ मैंने भी लगाया था। मजाक कर रहा हूँ, सारा कुछ एकदम मस्त बना था। तो खा पी के थोड़ी देर में निकलता ही हूँ मैं भी, अब लोग भी खा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में निकलता हूँ। मौसम भी ठीक ठाक हो रहा है, कोई भरोसा नहीं है लेकिन शाम तक बारिश वारिश ना हो जाए, कल बहुत जबरदस्त बारिश हुई है शाम को। तो यार वापस आते आते 3 बज गए हैं दोपहर के, और थोड़ा सा प्लान बन गया है कि छिमाल देवी जाएं, विशाल भंडारा भी है आज, तो हो सकता है शाम तक एक चक्कर वहाँ भी होके आएंगे। दोपहर की एकदम कड़क धूप है अभी, और थोड़ा बहुत मेरे पास सामान भी हो गया है। यहाँ धुराखाल में बुआ रहती है ना, वो भी नहीं आए थे निमंत्रण में, तो उनके लिए यहाँ से थोड़ा सा सामान भेजा है। स्नेहा लोग की जो बुआ है ना, उनके लिए सामान भेजा है, मतलब मीट वगैरह, मीट प्रसाद वगैरह जो भी होगा, तो वो भी यहीं धुराखाल में मैं भी दे दूंगा, थोड़ा सा मेरा भी सामान है। तो यार पहुंच गया हूँ कमरे में, ये देखो इतना बड़ा लखा काटा गया है, और ये खा रही है क्या, समोसे, समोसे, और इसके लिए दाल भात लेके आया हूँ इसके अंदर, मतलब दाल भात भी बना था, तो मैंने कहा इसके लिए ले जाता हूँ, कुछ तो खाएगी, मीट नहीं खा सकती बेचारी, क्या कर सकते हैं। कुछ कहना चाहेगी इसके बारे में, कुछ विशेष टिप्पणी? नहीं, मीट खाने का मेरा सबको तो मन भी नहीं हो रहा था, मेरा खाना मतलब मेरा मन हो रहा था कब से समोसे खाने का। मैंने 3-4 दिन से बोला था इनको समोसे ला देते, नहीं ला रहे थे, तो आज मैंने 3 बार बोला है, ये बोले थे दिल्ली में दाल भात ला रहा हूँ, मैंने कहा फिर भी मुझे समोसे खाने। तेरे बाल कैसे हो रहे हैं, टोपी जैसी बन रखी है। सो के उठी हूँ बस, जैसे ही मैं पहुंचा हूँ ऐसा मस्त सोई है मतलब, और मेरे से बोल दिया मेरी तबीयत खराब हो गई अभी देखो। और अब जाके थोड़ा सा काइनू का भी बुखार उतर गया है, अभी सोई थी, इसको मैं जबरदस्ती जगा के आया हूँ क्योंकि मैं बहुत मिस कर रहा था इसको। तो काइनू कैसा लग रहा है तेरे को अब? काइनू के साथ शूट कर रहा हूँ। काइनू ने मतलब ना बुखार इसको ऐसी टाइम पे आया, स्नेहा मतलब पूजा में शामिल तक नहीं हो पाई, और अब लग रहा है मुझे कि ये ठीक है अभी ना थोड़ा सा। अब पूजा वूजा हो गई तो अभी भी ठीक हो गई, अब ठीक है। काइनू मैं 2 दिन से नहलाया नहीं है वैसे इसको, मतलब अब थोड़ा बेटर है, दिन भर सोई थी आज भी बुखार से, अभी थोड़ा उठी है, तो अब थोड़ा सा टाइम हम अपने बिटिया के साथ बिताते हैं, उसके बाद देखेंगे थोड़ी देर में छिमाल देवी जाके।